वो दिन तुम्हारा कहाँ गया जब जमीन पे हम तुम्हारे साथ सोते थे, एक कपड़ा पहन के रहते थे, वो सब कहाँ गया? बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ, साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है, खुद तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है और मुझे खुद बोलता है कि तू शादी शुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब आप, जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। जो इंसान को 12 इतनी सीट में थी, उतने से उम्र में मैं इसके साथ इतना मेहनत की, सब कुछ की, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसे का लालच रहता तो बहुत पहले से मैं हट गई होती। मुझे कोई चीज का किसी से कोई लालच नहीं है। जो इंसान 12 साल से रहने के बाद भी इस तरीके से करे, उसे आप का ही उम्मीद लगा सकते हैं। केस भी हम बहुत मजबूरी में किए क्योंकि धमकी दिलवा रहा था, हम केस नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम थक चुके थे तो हम केस किए। थाना भी नहीं सुन रहा है, न थाना सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे हैं। पता नहीं पैसा लोग खा के बैठे हैं कि क्या खा के बैठे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप पैसा नहीं खाए तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे? जब भी हम जा रहे हैं, जब भी हम थाने में जा रहे हैं तो हमको भगा दिया जा रहा है। एसपी ऑफिस जाती हूँ तो वहां से भी भगा दिया जाता है मुझे, सब जगह से हमको भगा दिया जाता है। वो तो मुझे जिंदगी भर के लिए रोने के लिए कर दिया है, मैं तो साल भर से अकेले बैठ के रो रही हूँ। मैं वो अपना मजा मार रहा है कभी इस लड़की। अरे तुम किसी के भी साथ रहो, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो सही से रखो। तुम किसके साथ क्या कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो कम से कम सही से रखो। हम उस इंसान के लिए क्या नहीं किए, लेकिन वो इंसान कभी मेरा नहीं था। चलो ठीक है, नहीं भी था, नहीं भी रखना था तो अच्छे से छोड़ देता, अच्छे से भी नहीं छोड़ा, मुझे जलील करके रख दिया वो। लास्ट में मुझे लाइव आना ही पड़ा। कोई मदद नहीं करने वाला इस दुनिया में, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा, सब दिखावे का रिश्ता, सब दिखावे के लोग हैं, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा, बस लोग दिखावे के लिए थे, दिखावे के लिए लोग बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेली हूँ, वो मुझे हमेशा मरवाने का धमकी दे रहा है, उसको लगता है कि मरवा देंगे। ठीक है तो मरवा दो, अरे तो मरवाने की क्या जरूरत है, खुद आके मार दो ना, खुद आके मार दो, मैं मर जाती हूँ, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। अपने तो मारा मारा, अपने मैनेजर से भी हमको बहुत बुरी तरह से मरवाया था, जो कि उसका वीडियो हम रखे हैं, एक दो दिन में हम आपको सोशल मीडिया पे वो चलवाएंगे, दिखाएंगे कि कितना बुरी तरह से उस सोनू मैनेजर उसका मारा है। उसको मैनेजर का भी पता है कि मैनेजर किसको बोला जाता है, लेकिन मेरे साथ सब मिल के गलत किए। मैं क्या मांग रही थी उन लोग से, आज तक मैं जितना कमाई थी हमको एक रुपया तक नहीं दिया था, लेकिन तो भी मैं उसके साथ रह रही थी, तो भी मैं उसके साथ में रह रही थी कि चलो जाने तो ये खुश है ना, मैं इसकी खुशी के लिए सब कुछ करते आ रही थी, लेकिन ये कभी नहीं सुना मेरा, मेरा कभी था ही नहीं। आज गुंडा लोग तो धमकी दिलवा रहा है, जब जा रही हूँ दवा ववा के लिए तब हमको धमकी दिलवा रहा है कि केस वापस ले लो ना तो जान से मार दे, तो ठीक है जान से मार दे, लेकिन हम केस वापस नहीं लेंगे। और इसमें इससे थाना भी मिला हुआ है, थाना खुद जब जा रहे हो तो मुझे भगा दे रहा है। आप लोग बताइए मैं क्या करूं। बहुत लोग का इंटरव्यू देखे मेरे बारे में, बहुत गलत गलत बुलवाया, उसके बाद भी मैं नहीं लाइव आई कि छोड़ जाने दो, उसका उतना सोच है, उतना मेरे साथ करवा रहा है, लेकिन तो भी मैं
एकदम थक चुकी हूँ। आज मैं कल ही लाइव आने वाली थी लेकिन रात हो गया था क्योंकि लाइट नहीं, पूरा घर में से लाइट कटवा दिया है। मैं अंधेरे में रहती हूँ, आप यहाँ पे मोहल्ला में किसी से भी पता कर लीजिए, मैं अंधेरे में रहती हूँ, मोमबत्ती जला जला कर रहती हूँ, इन्वेटर चार्ज करवा के तब 2 दिन चलाती हूँ मैं। उसके बाद भी इंसान हमको जीना मुश्किल कर दिया, मेरे साथ हमेशा गलत किया वो। हम सोच रहे थे कि चलो अच्छे से हो जाएगा लेकिन पर कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई हो रहा है ना, कोर्ट ना थाना सुन रहा है, ना एसपी सर सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। एकदम मैं थक चुकी हूँ, एकदम लास्ट में मेरे पास मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसका क्या जाएगा, मर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप का जाएगा, उसका क्या जाएगा, वो तो 12 साल रखा माजा मारा पिन छोड़ दिया, उसका कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ लोग का मैं इंटरव्यू देखी थी, सब लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रही है। अरे पैसा तो मैं खुद अपने दम पे कमाई हूँ, मैं अपने मेहनत से कमाई हूँ, पर मुझ प्रेमी मुझे बैठा के नहीं खिलाता था, कभी मैं बैठ के नहीं खाई हूँ। जब बैठ कर खाने का टाइम आया तो मुझे छोड़ दिया, जब बैठ के खाने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी मुझे छोड़ के 3रा शादी कर लिया जाके, उसको मुंबई में रखा है। जब मुझे सुख करने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी 3रा शादी करके अपना मजा मार रहा है। लोगों से इतना गंदा गंदा गालियां दिलवाना, इतना इंटरव्यू में बुलवाना, सोशल मीडिया में चलवाना, लेकिन तो भी मैं कदम नहीं उठाई कि छोड़ो जाने दो, उसके पास उतना दिमाग है करवा रहा है। सोनू भेज भेज के बुलवाया है, मेरे पास प्रूफ है उसका, लड़कियों के पास लड़कों के पास सोनू भेज भेज के बुलवाया है कि ये देखिए इसकी बेटी है, इसका पति है। अरे तो कहाँ है मेरा बेटा, क्यों वीडियो स्क्रीनशॉट का वीडियो क्यों चढ़ा रहे हो? उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोली, मैं सोची कि जाने दो सुधर जाएगा, लेकिन वो मेरा जान आज जिस इंसान को मैं बनाई वो मेरा जान लेने पे आज तुल गया, वो मेरा जान लेने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है मैं उसी पे मैं लेकिन तो भी डर के नहीं भागूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यारा छोड़ के, जिसको मारना है जब भी मारना है आप आके मार के चले जाइए, मुझे कोई चीज का डर नहीं है, न मरने का न समाज का, कोई चीज का मुझे अब डर नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। इतने दिन से सोच रहे थे कि चलो हम नहीं आएंगे लाइव, नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, चलो उसके पास जितना दिमाग हो कर रहा है मेरे साथ। नहीं सोची थी मैं, अगर मैं सोची होती तो आज मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। अगर कोई भी लड़की सोच लेती कि वो लड़का ऐसा है तो कभी उसके साथ गलत नहीं होता, कि माँ बाप शादी करते हैं तो वहाँ नहीं गलत होता है, हो जाता है, ये तो हम अपने मन से ही किए थे। सोनू का रिकॉर्डिंग मैं रखी हूँ, इन लोग का रिकॉर्डिंग रखी हूँ, आप सुनेंगे, मैं सोशल मीडिया में सब कुछ चलवाऊंगी। जिस तरीके से सोनू हमको गाली दिया है, जिस तरह से हमको नचनिया बोला, आज हम नचनिया हो गए हैं। जिस दिन बेड गर्म कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे, दिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, ऐसे नहीं किसी पे इल्जाम लगा दे रही हूँ मैं, और आप लोग कहाँ मुझे देखे किसी और के साथ काम करते हुए, और किसी के साथ हमको कहाँ देखे। 12 साल से मैं इस लड़के इस इंसान के साथ में हूँ। उसके बाद भी मेरे गलत किया, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। मैं मुझे इतना पता चल गया कि सब लोग अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे, बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा। सब
सब लोग बंदे से हैं, बंदे रहेगा तो सब रिश्ता है। आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है, सोनू का, क्योंकि ये दोनों लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दवा के लिए भी जा रहे थे तो हमको कुछ लड़कों से घिरवाया भी था, फिर दो तीन आदमी लोग थे, फिर वो लोग डांटे तब वो लोग भागा था, फिर मैं दवा के लिए भी नहीं गई, घर पे चली आई। इतना बर्दाश्त करके मैं रह रही हूँ, लेकिन तो भी न कानून सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। थाने में जाने के बाद कल मैं थाने में फोन की तो बोल रहे हैं कि रखो फोन, हमको क्या पता, हमको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। अरे तो कब ऊपर से आएगा, 2 महीना 1.5 महीना हो गया हमको केस किए हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। या तो सुनवाई करके आप लोग हटा दीजिए मुझे। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे।